राधे राधे, मैं अंजू जादौन। और जैसा कि फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फ्रेंड्सों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि आप बिजनेस तो बताती हो लेकिन उस बिजनेस के फायदे और लॉस दोनों बता दिया करें, जिससे उनको पता चले कि ये बिजनेस उनके अनुकूल है या नहीं है, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज से मैं हर बिजनेस के फायदे और लॉस दोनों बताया करूँगी, जिससे किसी भी हमारे फ्रेंड्स के पैसे फंसे नहीं, उनको बिजनेस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। जैसा कि फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि असफलता सफलता की सीढ़ी होती है, लेकिन 80-90% जो लोग हैं बार बार असफल हो रहे हैं और इससे उनका मनोबल भी टूट रहा है। तो मुझे उनके बारे में भी सोचना है कि ऐसी मैं कुछ उनको टिप दूं जिससे वो एक दो बार में ही सक्सेस हो जाएं। तो आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है और ऐसे ही वीडियो में और भी बनाती रहूंगी, जिससे आपको बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और साथ में दूंगी एक टिप जो सुबह के नाश्ते के खर्चे के बराबर ही इन्वेस्टमेंट करके आपको उस बिजनेस का फुल एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उसके प्रॉफिट और लॉस सभी कुछ आपको पता चल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेन मेकिंग के बिजनेस के बारे में, कि सबसे ज़्यादा कमेंट हमें इसी में आए थे कि कुछ लोगों ने ये बिजनेस शुरू भी किया है पर उनको सफलता नहीं मिली है। तो कुछ लोगों के कमेंट थे कि जो उन्हें मशीन है कि मैडम हमने बिजनेस शुरू किया नहीं चला पा रहे हैं, तो आप हमारी मशीन ही बिकवा दो। तो इसीलिए आज का वीडियो हमने बनाया है, तो आप शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगा कि इस बिजनेस के फायदे और लॉस। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके आप हमें बताएं कि इस टाइप के वीडियो आपको किस बिजनेस के बारे में चाहिए। तो कोई आसपास ना देख रहा हो तो लाइक कर लें। तो आज हम बात कर लेते हैं पेन मेकिंग के बिजनेस के फायदे के बारे में। पहला फायदा तो यही है कि ये यूज एंड थ्रो बॉल पेन है, इसको कोई 2-3 दिन से ज्यादा कोई यूज ही नहीं कर पाता है, गुम ही हो जाता है, चोरी वोरी नहीं होता है। और फिर भी ये बड़े बड़े शोरूम वाले, दुकान वाले, बैंक वाले और बड़े बड़े मॉल वाले, जिनका करोड़ों का टर्नओवर है, इस 2 रुपए की चीज को भी धागे से बांध के रखते हैं। और यही 2 रुपए का पेन जब मार्केट में सेल होता है तो कस्टमर भी इसमें कोई ब्रांड नहीं देखता है, यानी इसमें कोई ब्रांड वारंट का चक्कर भी नहीं है। बॉल पेन बनाने का एक आसान सा व्यवसाय है जो एक टेबल से ही शुरू हो जाता है, यानी और एक बाइक पर रख के इसको सेल किया जा सकता है। इसमें कोई ज़्यादा खास ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी नहीं लगता है, जैसे सर्फ, साबुन, तेल, अगरबत्ती, चाय पत्ती, धूपबत्ती, इन सभी चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन लगता है। और फ्रेंड्स, इसकी जो मशीन है वो भी 5 से 15 हज़ार में आ जाती है, यानी मशीन भी इसकी ज़्यादा महंगी नहीं आती है। और इतने का ही आप इसमें रॉ मटेरियल और पैकेजिंग का रख लो, यानी 25-50 हज़ार में आपका पूरा बिजनेस शुरू हो जाता है, ज़्यादा लागत भी नहीं लगती है। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिए बॉल पेन मेकिंग के फायदे। तो अब बात कर लेते हैं इसके लॉस के बारे में, कि आपको इसमें किस तरह से लॉस होने वाला है। तो अगर आप उनसे निपट लेते हैं तो आप इसमें काफी सारा मुनाफा कमा लेंगे। बॉल पेन बिजनेस को आप शुरू करने से पहले एक चीज देख लें कि आपके सिटी में इस बिजनेस को कितने लोग कर रहे हैं। अगर ज्यादा लोग कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में एंटर ना करें, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो अपना माल बेचने के चक्कर में दूसरों से जो अपना प्रॉफिट है वो कम करते जाते हैं, और हो सकता है अब तक तो उन्होंने जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी खत्म कर दिया हो। अब बात आती है इसके रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल है वो लगभग एक ही रेट पे आता है, जैसे बैरल, बॉल पॉइंट और उसमें बनने वाली इंक। तो इसमें जब सेम रेट पे मिलेगा तो आप इसकी कॉस्ट कटिंग नहीं कर पाएंगे। और जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, या तो वो अपना माल खुद तैयार कर लेती हैं या वो बल्क में डील करती हैं। अब बल्क में डील करती हैं तो वही रॉ मटेरियल उनको सस्ता पड़ जाता है। अब जिस रेट पे आप अपना पेन दुकानदार को सेल कर रहे हैं उसी रेट पे जो कंपनियां हैं वो अपना हाई प्रॉफिट लगा के दुकानदारों तक पहुंचा देती हैं। और चूंकि उनके 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए के जो पेन है वो ऑलरेडी भी मार्केट में
चल रही होती है, तो उनके जो सेल्स वाले बंदे होते हैं वो इन पेनों को भी स्कीम विस्कीम लगा के और बहुत सारे ऑफर वगैरह दे के दुकानदार को थमा ही जाते हैं। तो दुकानदार भी सोचता है कि काई की जिग जिग पाले, उनके ऑलरेडी जो पेन बिक रहे हैं उनके साथ में इस पेन को भी बेच देंगे, और फिर भी अगर आपको रखना है तो रख जाओ, जब माल बिक जाएगा तब पैसे ले लेना, यानी उधार में आप उस दुकान पे अपना जो पेन है वो रख के चले जाओ। अब बात कर लेते हैं लाख टके की, मतलब मेन पॉइंट की। अगर आपको समझ में आ जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। करना क्या है कि आपकी सिटी के जो होलसेलर हैं उनसे आप 1000-2000 बॉल पेन परचेज कर लें। आप इतनी क्वांटिटी में जब बॉल पेन परचेज करेंगे तो वो आपको बेस्ट रेट पे प्रोवाइड कर देंगे, और बातों बातों में तो आप जो वहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं उनका एड्रेस भी निकाल लेंगे। मान लो आपने जो 1000-2000 जो बॉल पेन परचेज किए हैं उनकी जो लागत कॉस्ट आपको लगभग पड़ी होगी 1.40 रुपए की। अब उसमें से आप 20-30% मैन्युफैक्चरर्स का और दुकानदार का निकाल दें तो उसकी जो पेन की जो लागत कॉस्ट है वो 1 रुपए से 1.10 रुपए पड़ेगी उस मैन्युफैक्चरर्स को। अब इस रेट पे आप उस बॉल पेन को अपने आसपास के दुकानदारों को और जो वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको आप सेल करके देखें, और सेल करने के बाद आपने जो वो जो पैसा है वो मार्केट से आप वसूल करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। मेरा मतलब है कि इस तरह से जब आप अपने बॉल पेन को सेल करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं और किस रेट पे वो अपना माल दुकानदार तक पहुंचाते हैं और कितने दिन की उनकी उधारी फंस रही है। तो इस तरह से करने से कोई ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। बस ऐसे मान लीजिए जैसे आपके यहाँ कोई रिलेटिव्स आता है तो उसके चाय नाश्ते पे जितना खर्चा होता है बस उतना ही खर्चा होगा, बस। और इससे आपको उस बिजनेस की जो रियल स्थिति है वो पता चल जाएगी कि आपको मशीन में निवेश करने से पहले आप मार्केट के बारे में A to Z पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आप इस बिजनेस को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई टिप पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। अगर आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करोगे तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया।